गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास थर्ड. दिस इज़ योर मैथ लेक्चर. टुडे वी डिस्कस चैप्टर 8 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 8.2. राइट द फ्रैक्शन फ्रॉम द शेडेड पार्ट इन ईच फिगर. हमें क्या बताना है? शेडेड पार्ट बताना है हर एक फिगर का. आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि हम इसको लिखते कैसे हैं. हम लिखते हैं शेडेड पार्ट डिवाइडेड बाय इक्वल पार्ट्स ऑफ होल फिगर, कि हम पूरे फिगर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो लिखते हैं और शेडेड पार्ट लिखते हैं. शेडेड पार्ट कहाँ लिखते हैं? ऊपर की तरफ. इसको क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर. और जो होल फिगर के पार्ट्स होते हैं वो कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं. इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. तो हमारी इस फिगर के कितने पार्ट्स हैं कुल टोटल? 1, 2, 3, 4. 4 हमने यहाँ लिख दिया. और शेड कितना पार्ट है? 1. तो ये एक फिगर का कितना कहलाएगा? इसको क्या, इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? 1/4 या 1/4. नेक्स्ट है, देखो इस फिगर के भी कितने पार्ट्स हैं? 4, 1, 2, 3, 4. और कितने पार्ट शेड हैं? 2. तो 2 हम लिखेंगे न्यूमिनेटर में और 4 लिखेंगे डिनोमिनेटर में. ये क्या होगा? 2/4. नेक्स्ट है, 3 पार्ट शेड हैं और टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4. तो ये क्या हो जाएगा? 3/4. अब इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स. 1 पार्ट हमारा शेडेड है और टोटल कितने हैं? 2. तो ये क्या हो जाएगा? 1/2. अब इसमें काउंट करते हैं कितने पार्ट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. कुल टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 12. और शेडेड कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 5/12. नेक्स्ट में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल 6 हो गए और शेड कितने हैं? 1, 2, 3. तो 3/6. Thank you, class. Have a nice day.